राम का लक्ष्मण का ऐसे दिखाई दे ना गोला इसी रे आने रे और दूसरे ऐसे आने आनी हो इसे यहां लाऊं ना लाऊं ना हां तुम जानो परसों ना तो लाऊं सा आता है आठों बंदे आए हम सब सारा मिलके इस बंदर को भगाना है। हम इस जंगल में आए ऐसा जंगल में ठीक है पता नहीं अभी कहाँ तक मिलेगा बंदर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा पूरा ऐसे काम करते हैं देखो खेती में है ना यहाँ किस नहीं धान रोपनी है ना मतलब यहाँ धान रोपने के लिए पूरा इसको अभी प्रिपेयरिंग चल रहा है। अभी नहीं पका हुआ है के साथ मिलना बहुत जरूरी है ठीक है तो वाला अभी अपना गांव का घर ऐसा ही है अभी जाके क्या करते हैं खाना खाते हैं। देखो गांव में आने के बाद ना खाना बड़ा थोड़ा जल्दी हो जाता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो स्वागत है आप लोगों का और एक नया ब्लॉग पे। देखो भाई मैं गांव में आया था गांव में ना बंदर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बंदर है मक्का बहुत ज्यादा खा रहा है तो भाई आज हम गाँव के दो चार लोग मिल के क्या कर रहे हैं बंदर को मारने जा रहे हैं मारने तो नहीं उसको मार तो नहीं पाएंगे लेकिन उसको दबाएंगे। तो देखो बंदर को मारने के लिए ना गांव में एक ऐसा मैकेनाइज बनाया देखो ना कितना अच्छी तरह से ये देखो ना ये क्या हम बोलते हैं ये धनुष राम का लक्ष्मण का ऐसे दिखाई दे ना गोला इसी रे आने रे और दूसरे ऐसे आने आनी हो इसे यहाँ लाऊं ना लाऊं ना हाँ तुम जानो परसों ना तो लाऊं सा हाथ उंगली फुटा लूं ऐसे करके क्या कैसे मार सकता है। एक चीज ट्राई करूं लाऊं ना इसे और का आनू ना हेर यहाँ और का आनू और का आनू ना देखते हैं है ना कैसे मारते हैं तो देखो ना ऐसे माथिर इसको तार को लो चलो तार को मारो सर देखो देखो अलर्ट्स ये देखो यहाँ पहुंच गया ये देखो ऐसे मिट्टी का क्या बना जाता है दिखाई नहीं दे रहा है भाई ये तो भाई कसम से एक बार लग जाएगा ना फट जाएगी माँ कसम बहुत तेज है रे बढ़िया कैसे पवन ठीक है जाऊंगा कोई ठीक है राइट्स गाइस यार जंगल में आ चुके हैं हम पूरा और ये कोई नीचे कोई ऊपर कोई नीचे कोई ऊपर हो रखा है हम तो भाई बंदर को भगाने आ रखा है तो खेती का अपना सत्यानाश कर दिया पूरा खा के पूरा ख़त्म कर देता है तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से भगाना पड़ेगा बहुत दूर तक भगाना पड़ेगा काफ़ी आठों बंदे आए हम तो सारा मिल के इस बंदर को भगाना है। हम इस जंगल में आए ऐसा जंगल में ठीक है पता नहीं अभी कहाँ तक मिलेगा बंदर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा बहुत सारे बंदर है लेकिन अनाज को ख़त्म ही कर दिया बंदर ने। ओहो ओ भाई यहाँ पर हमने बंदर थोड़ा बहुत मिला था काफ़ी आगे तक भगा दिया भाई। अरे भाई जो आपको ये दिखाने के लिए लेके आए हो ओ भाई यहाँ से गिर जाएंगे तो हम तो सीधा नीचे गिर जाएंगे मेरे भाई बहुत खतरनाक है देखो ऐसा करके बंदर को भगाते हैं। ओ भाई रास्ता है नहीं देखो बंदर कैसे कैसे चढ़ के जा रहा है ऊपर तक राइट अब मैं भी फटाफट चढ़ता हूँ यार इसमें पूरे विकास में थी किया
हाथ में काटा बिक गया। माय गॉड विकास को यक माथी बाप रे, हम ऐसे नीचे से आए। अरे भाई हाँ, ये बाटो हाथ में यार कांटा बिक गया पहाड़ी में चढ़ने के लिए। ओ हाथ में कहाँ बिक गया रे, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। बंदर को भगाने आया, हम खुद ही भाग रहे हैं। थोड़ा बहुत मिल रहा था बंदर, ओ उससे दूसरे गांव की तरफ निकल गया। अब हम क्या करें, फिर और दूसरा जगह और दूसरा जगह जा रहे हैं। उधर से भी क्या करेंगे, बंदर का फटाफट मारेंगे। मार तो नहीं पाएंगे, भगाएंगे उसको। नज़दीक जाना ही बहुत मुश्किल है। कितना फिसल जाता है ये पैर में, जूते में तो रुकता है नहीं है। यहाँ से वन मिस गेम फिनिश बराबर हो जाती है। वो देखो वहाँ नीचे ये कुत्ता भी साथ साथ में दौड़ रहा है हमारा पूरा। गाइस देखो गांव में पूरा ऐसे काम करते हैं। देखो खेती में है ना, यहाँ किस नहीं धान रोपनी है ना, मतलब यहाँ धान रोपने के लिए पूरा इसको अभी प्रिपेयरिंग चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, साफ सफाई चल रहा है। देखो हमारा टोली पो उधर है, ये बंदर भगाने की टोली। ठीक है, एक टोली भगाने, एक टोली तो उधर गाँव से चले गए और दूसरा टीम है बंदर का, वो टीम शायद इस तरफ चले गए, अब इस तरफ जाएंगे। कहा जा रही है हमें, वो ओके। जो वहाँ पर पानी पी रहा है वो मतलब मैं तो मूल का पानी आ रखा है। अभी यहाँ से लोग पानी पुनी पीते हैं और उसके बाद बंदर ऑलमोस्ट भाग चुका है। तो बंदर क्या कहा, हमने भगा लिया। अब शायद इस तरफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं हुआ रे। बंदर बहुत नीचे था ना, और जानी हो कहीं ना, वो घर से जानी हो बोली बनी। अलाइज तो अभी शायद हम घर निकल जाएंगे। बंदर ऑलमोस्ट भाग चुका है, तो शायद कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन लोग तो आएंगे, मैं तो आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, देखते हैं कल। ओके, ओ भाई ये घास है ना कितना बढ़िया है यार, ये मतलब पूरा पेड़ ऐसे पेड़ है, कितना क्यूट जैसे लग रहा है यार। फोटो खींचे क्या इसको एक। ओके
इसका एक फोटो खींचते हैं यार, ऐसा करके है ना। ओ माय गॉड, क्या ही बताऊं, क्या ही सीन आ रहा, अनबिलीवर आ रहा है गाइज, माय गॉड। हाँ मैं ना इस तरफ जाके भगा के आया, हम इस तरफ भगाने के लिए और जा रहे थे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ओ वहाँ पर मक्का मक्का लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पर बंदर बहुत सारा आ रखा था। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी जो खेत में काम करने वाला, मैंने दिखाया था आपको यहाँ नीचे, तो उन लोग क्या कर रहे थे कि उसको भगा रहे थे भाई। बंदर बंदर काफ़ी भगा लिया हमने, अब फाइनली अब हम घर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए रे। मैं सोचता था ओ वहाँ पर जो खेत थी, मैंने आपको अभी दिखाया, वो खेत में जाके आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था, बिकॉज अभी क्या है बहुत ज़्यादा एकदम धूप हो रहा है, तो हम आज शायद शाम को निकल जाएंगे, शाम को वहाँ भी जाएंगे और जाके वॉलीबॉल वगैरह वगैरह भी खेलने जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए तो भाई ऐसा ही है, तो नॉर्मली घर में चलते हैं और खाना खुना खाते हैं, और उसके बाद शाम को आके वापस आके वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नज़ारा सीन अच्छी तरह से दिखाएंगे। अभी के लिए घर चलते हैं गाइस। अभी आप लोगों को यहाँ पर केला दिखाता हूँ, गाँव की केला देखो, इतना छोटा सा केला कितना अच्छा है, पका नहीं है केला, अभी नहीं पका हुआ है, हाँ छोड़ देना। कहाँ रखे रहा ए यो? ओके भाई, इधर भी देखो कितना बढ़िया केला है, देखो देख रहे हो ना कितना बढ़िया केला, हो गाय देख रहे हो, ये फूल देख रहे हो, ये फूल है, ये गावा फूल हम बोलते हैं, काफी मतलब बढ़िया ऐसा ऐसा यहाँ पर क्या कलरफुल हो जाता है, ब्लैक रेड रेड हाल चुके हैं यूट्यूब में आ चुके बोले वाह। अब यहाँ बंदर संदर भगा के घर पहुँच चुका हूँ, तो सब सबके साथ सबके जितना भी बुजुर्ग हो सबके पास मिल के आया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लगता है, गांव में आते हूँ ना तो सबके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राइट, अभी हमने गांव का घर ऐसा ही है, अभी जाके क्या करते हैं खाना खाते हैं। देखो गाँव में आने के बाद ना खाना बड़ा थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, 9-10 बजे तक ना सब लोग खाना यहाँ का क्या था लंच हो जाता है, 1-2 बजे तक यहाँ का सेकेंड क्या सेकेंड टाइम में क्या होता है खाना होता है, सेकेंड टाइम खाना मतलब क्या होता है वो नाश्ता वगैरह वगैरह होता है, शाम को खाना डिनर का सबको बराबर ही है। ठीक है, हेलो हाय ब्रो हाय, ओके हलाइट्स गाइस, टाइम टू ईट लंच। तो भाई गाँव में बना हुआ है ना, ये जितना भी सब्जी देख रही हो, ये सब्जी देख रहे हो, आलू देख रही हो, ठीक है बीन्स है ना, ये बीन्स है पूरा, ये घर का लोकल ही है, तो लोकल ही खाते हैं, और उसके बाद ऐसे दाल डाल के खाने का मज़ा अलग आता है। ओके चलो अब फटाफट हम 10 बजे का लंच करते हैं। ओके